हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है अक्टूबर 2, 2019, और आज भारत के महात्मा गांधी जी, जो बापू हम कहलाते हैं, उनकी 150वीं जो जन्मतिथि है, पुण्यतिथि, तो उनकी आज स्मरण पे हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में, देखते हैं कि कौन से टॉपिक है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, जो इकोनॉमी के जो 8 अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन फर्टिलाइजर्स है, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो टोटल जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो 40.27% ये कवर करती है। इसमें जो 6 अलग अलग सेक्टर्स में एक जो प्रोडक्शन पे एक गिरावट आई है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक की इसकी जो आउटपुट होनी चाहिए, ये आउटपुट में एक निगेटिव यहाँ पे आउटपुट आई है। तो इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी यहाँ पे इनिशिएटिव ली है, क्या इफेक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड आज पूरा जो एडिटोरियल जो है बापू जी के स्मरण पे ही लिखा गया है। जितने भी आप आर्टिकल देखेंगे तो हम कवर करेंगे वही आर्टिकल जो आपके जनरली एथिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे गांधी जी की जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनकी जो यहाँ पे व्यूज होती थी, इसको राइटर ने एक्सप्लेन किया है। देन ये जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया के जो चैंसलर, यानी कि वहां के जो, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऐसे जगहों पे चांसलर होते हैं। तो सेबेस्टियन क्रूज जो है, सेबेस्टियन क्रूज वहां पे चांसलर चुने गए हैं अभी हाल ही के इलेक्शन में। तो दुनिया के सबसे यंगेस्ट 33 साल की उम्र में वहां पे वो चांसलर चुने गए हैं। तो इनके ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन करके, तो हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रियन पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। काफी सारे जो ऑस्ट्रिया रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम योर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी के जो उन्होंने जैसे कि अपनी जो पत्रकारिता भी निभाई थी साउथ अफ्रीका में, जब वहां पे सत्याग्रह आंदोलन के टाइम में, तो सत्याग्रह आंदोलन के टाइम में भी यहाँ पे ये सब बोला गया है। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी रहती थी रिगार्डिंग द जर्नलिज्म, तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी की जो जर्नलिज्म या मीडिया में, उसमें थोड़ी सी क्रिटिसाइज किया गया है राइटर के द्वारा। तो गांधी जी की यहाँ पे व्यूज कैसी अगर होती, अगर वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट होते, और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो जर्नलिज्म होनी चाहिए या पत्रकारिता होनी चाहिए, वो हमेशा सच्चाई दिखाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को यहाँ पे प्लीज करने के लिए होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन यही जो गांधी जी की जो लास्ट जो वर्ड्स उनकी जो यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन गांधी जी और जो श्रीमद् भगवद् गीता के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देन ये जो आज के डेटा पॉइंट में गांधी जी के बारे में यही बोला गया है कि कई बार उनके, लगभग 5 बार उनके नाम जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन नोबेल प्राइज उनको मिला नहीं। बहुत सालों तक जो है नॉर्दर्न अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज को ही लोगों को मिलते थे यहाँ पे, तो इसको मेंशन किया। तो इसके हिसाब से 1995 से भारतीय गवर्नमेंट ने गांधी पीस प्राइज यहाँ पे स्टार्ट किया रखना, तो इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो पहले आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप देख सकते हैं कि एक जो गिरावट आई है यहाँ पे, 6 अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेन जो हम बोल सकते हैं पिलर बोल सकते हैं, जैसे कि कोल, देन क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर और स्टील। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है, जो ये ब्लू बार है ये अगस्त 2018 का, और ये जो रेड बार है ये अगस्त 2019 के हिसाब से बोला गया है। तो कोल के बारे में आप देख सकते हैं, कोल की आउटपुट जो पहले 2.4% हुआ करती थी, ये गिर के 8.6%, यानी -8.6% तक नीचे चली गई अभी जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जो आउटपुट है। देन क्रूड ऑयल पिछले साल भी यहाँ पे काफी कम हुआ करती थी जो 2017 के मुकाबले, तो इसके हिसाब से ये भी कम हो गई इस बार, ये -5.4% तक गिरावट आई है। सीमेंट की जो आउटपुट 2018 में ये 14.6% हुआ करती थी, इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है, -4.9% आप देख सकते हैं। देन नेचुरल गैसेस का आप देख सकते हैं, नेचुरल गैसेस का 1% यहाँ पे वृद्धि हुआ करती थी पिछले साल तक, अभी ये कम होकर -3.9% तक हो गई।
देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में भी अगर आप देखें, ये 7.6% हुआ करती थी पहले, तो ये 2.9% माइनस 2.9% तक ये गिर गई। देन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी आप देखेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी 5.1% जो एक यहाँ पे ग्रोथ हुआ करती थी, ये कम होकर 2.6%। सो ये अकेला एक पैरामीटर है यहाँ पे जो अभी तक डिस्कस किया जो पॉजिटिव में है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। तो अगर देखें फर्टिलाइजर्स के बारे में हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स की जो ग्रोथ निगेटिव में थी तो -5.3, तो ये अभी जो बढ़ के 2.9% हुई है, हालांकि बहुत कम है लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। स्टील के प्रोडक्शन में अगर देखें पिछले साल के मुकाबले, ये पिछले साल 4% हुआ करती थी, अभी 5% हुई है। तो यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे जो आठ ये जो सेक्टर है, तो ये टोटल जो सेक्टर प्रोवाइड करती है 40.2%, यानी कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर में 40.2% यही जो सेक्टर कवर करती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक नंबर्स यहाँ पे रिलीज हुई है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही इकोनॉमी के हेल्थ के लिए बहुत ही ये खतरनाक आउटपुट यहाँ पे मेंशन किया गया। तो एक मेजर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है कि पहली चार सालों में अगस्त तक अगर देखें तो इसकी प्राइस कितनी ज्यादा कम हुआ है, और इसका जो कंस्टिट्यूटिंग इंडेक्स के साइज में भी इसमें गिरावट आई है। तो टोटल सेक्टर्स में ये दिखाया गया है, बहुत सारे सेक्टर्स में -0.5%। तो आर्टिकल में बेसिकली इतनी डिटेल से हम लिखा नहीं गया जितने डिटेल में मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया, तो यहाँ पे वही सब एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा है कि जो टोटल ईयर टू ईयर अगर कन्वर्जन देखें तो 8.47% यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो अगर देखेंगे हम तो कितना यहाँ पे गिरावट आई है आप देख सकते हैं कोल सेक्टर में, देन क्रूड ऑयल में कितनी ज्यादा यहाँ पे गिरावट आई है, सीमेंट में कितनी ज्यादा गिरावट आई है। ये मेजर चीज है जो जिसके बगैर एक इकोनॉमी कभी भी इंप्रूव कर ही नहीं सकती, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे और एक चीजों को बोला गया कि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर हम देखेंगे कि पिछले साल के अगस्त के मुकाबले लगभग 21% जो गाड़ियों के ऑटोमोबाइल सेल्स में गिरावट आई है, मतलब अगर 2017-2018 के साल में चौथे लगा मान लीजिए कि 100 गाड़ी की बिक्री हुई थी, तो 2018 से लेकर 2019 तक यहाँ पे सिर्फ 81 ही गाड़ी की जो बिक्री हुई है पूरे इंडिया में। तो 19 से लेकर 21% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसमें सारे काफी सारे स्टेप्स लिए, यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी आने वाली है, अभी चल रही है जो नवरात्रि, तो इसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन में एक यहाँ पे स्ट्रांग कमबैक भी आया है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे कार और ट्रैक्टर कंपनीज ने ये दिखाया कि उनकी जो सेल्स जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर एक गिरावट भी आई है, काफी स्लो यहाँ पे हिसाब से यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं जब इकोनॉमी पे गिरावट आती है तो वर्क फोर्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है, वर्क फोर्स को कट डाउन करना पड़ता है, तो पूरे इकोनॉमी एक साइकिल में उसकी जो साइक्लिक स्लो डाउन यहाँ पे होती जाती है, तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने यह बोला गया है कि गवर्नमेंट जो बोरो करती है ये बोरो को काफी हद तक लिमिट किया है, तो ये जो पहली छह महीने थे वो पहले छह महीने सिर्फ 4,42,000 करोड़ ही यहाँ पे बोरो किया है, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है अभी जो 3.3% चल रही है उसको कम किया जा सके। और इसके हिसाब से चले तो पहले जो छह महीने में ये 2.3 से नैरो डाउन करके 2% तक कर दिया गया, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सके। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पिछले हफ्ते में जो निर्मला सीतारमण भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, काफी सारे यहाँ पे जो फिस्कल स्टिमुलस के बारे में बात किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कट डाउन किया, बहुत सारे यहाँ पे टैक्स को कट डाउन किया ताकि इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके वजह से काफी सारे यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेंगे जो प्राइवेट यहाँ पे एंटरप्रेनर्स है, प्राइवेट कंपनीज है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं वहां पे बहुत सारे यहाँ पे काम, तो इसकी जो रिजल्ट है ये कुछ महीने में नेक्स्ट फरवरी से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक बूस्ट है, तो लगभग जो 8% की हम लोग बात करें तो ये काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 तक ये जो इंडिया की जो जीडीपी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी यहाँ पे करने की बात की, तो उसके लिए 8% से भी ज्यादा की यहाँ पे ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से ये प्रेडिक्शन दिया है कि इस साल तक ये 5.2% ही यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे होगी। लेकिन इसके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स को कट डाउन किया था, तो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हिसाब से
किया जाएगा जो सिग्निफिकेंटली इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट करेगी, और इसके जो रिफॉर्म्स होंगे तो ये परमानेंटली इंडिया की ग्रोथ ट्रेजरी को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। तो ऐसे स्टेप्स इंडिया को लेनी चाहिए, भले ही जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स क्यों ना आए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो यही आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल में बोला गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के जो नए चांसलर चुने गए हैं सेबेस्टियन क्रूज, तो ये हाल ही में चुने गए हैं। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हेड, इंडिया में प्रेसिडेंट भी होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मेन जो डिसीजन मेकिंग या ऐसे जो निर्णय लेते हैं। तो यूएसए में जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, रशिया में प्रेसिडेंट, तो जर्मनी के जैसे कि चांसलर का एंजेला मार्केल, देन ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है वो सेबेस्टियन क्रूज नए चुने गए हैं। तो ये दुनिया के यंगेस्ट जो आप मान सकते हैं कि लीडर बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का, तो 33 के साल की उम्र में ही वो चांसलर बन गए यहाँ पे। तो पहले उनकी ही गवर्नमेंट थी यहाँ पे जो कलाप्स कर गई थी मई में। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रिया के जो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में वो आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया के फेस के बारे में, ऑस्ट्रिया का जो भौगोलिक स्थिति है वहां पे सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है ऑस्ट्रिया का मैप। तो 9 फेडरल स्टेट्स वहां पे होती है, जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि 28 है अभी, और जो पहले तो 7 हुआ करती थी, अभी 9 जो यूनियन टेरिटरीज है। तो ऑस्ट्रेलिया में 9 यहाँ पे फेडरल स्टेट्स है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वीना, तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के साथ, जो चेक रिपब्लिक यहाँ पे नॉर्थ में, चेक रिपब्लिक, जर्मनी जो नॉर्थ वेस्ट में जर्मनी आती है, देन जो वेस्ट में यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ कोइंसाइड करती है, देन जो वेस्ट और साउथ में इटली आती है यहाँ पे, देन स्लोवेनिया के साथ साउथ शेयर करती है, क्रोएशिया के साथ कनेक्टिंग नहीं है, पर हंगरी के साथ कनेक्टिंग है, यहाँ पे स्लोवाकिया के साथ कनेक्टिंग है। तो ऑस्ट्रिया बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, जो यहाँ पे अगर बोल सके कि ऑस्ट्रिया समंदर के साथ यहाँ पे कनेक्टिंग नहीं है, तो काफी यूरोपियन की एक मेजर हब भी है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी सी हम चीजें जानते हैं कि ऑस्ट्रिया को ये बोला जाता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफी यहाँ पे एक सेंटर पावर हुआ करती थी दुनिया की, और जो वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें जो डिफीट हुई उसके वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए, और 17th century या 18th century में ऑस्ट्रेलिया एक ग्रेट पावर हुआ करती थी यूरोप में। और इससे पहले जो है ऑस्ट्रिया में जो सेल्टिक ट्राइब्स हुआ करती थी, जो रोमन ट्राइब्स पहले वो सेल्टिक ट्राइब्स वहां पे हुआ करती थी। देन 1938 से लेकर 1945 तक ऑस्ट्रिया जो है नाजी जर्मनी के अंडर यहाँ पे रहती थी, और 1945 जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से के बाद 1945 से लेकर 1955 तक जो एलाइड फोर्सेस के अंदर वो रही थी। देन ऑस्ट्रिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है जो वीना में है, जो जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1726 में, वो दुनिया की वन ऑफ द मेजर लाइब्रेरीज कहलाती जाती है, जो कितनी पुरानी ये लाइब्रेरी है, जिसमें 25 लाख से भी ज्यादा की वहां पे किताबें वहां पे पाई जाती है। तो ऑस्ट्रिया जो है दुनिया की एक नंबर वन कंट्री है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर यहाँ पे प्रिफरेंस देती है, और यहाँ पे कंट्री पे जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के ऊपर बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उन लोग हेल्थ काफी हेल्थ कंसर्न है वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे दुनिया की यह पहली कंट्री है जहां पे ऑर्गेनिक फार्म 1927 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनके फार्मिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस भी यहाँ पे इंप्रूव यहाँ पे मेंशन किया गया था। ऑस्ट्रिया में टोटल 9 फेडरल स्टेट्स है यहाँ पे, वीना, बर्गेनलैंड, देन कैरिंथिया, लोअर ऑस्ट्रिया, अपर ऑस्ट्रिया, सेल्सबर्ग, स्टीरिया, टायरोल, वोरारबर्ग, यहाँ पे 9 फेडरल स्टेट्स ऑस्ट्रिया में है जो हमने मैप में देखा। देन ऑस्ट्रिया के जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो पूरी लेंथ है ये 360 miles, अब देख सकते हैं कितनी एक छोटी कंट्री है, इंडिया के स्टेट्स में ही इससे भी ज्यादा लेंथ हो जाती है। तो जो वहां पे एक जो लेक है, लेक न्यू सेदिल, वहां पे लार्जेस्ट नेचुरल लेक है ऑस्ट्रिया की, कितनी ज्यादा 315 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। जो ऑस्ट्रिया है वहां पे 70% जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से प्रोड्यूस करती है, तो कितनी ग्रीन एनर्जी पे उन लोग कंसेंट्रेट करते हैं वो देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के साथ सबसे लार्जेस्ट जो बॉर्डर शेयर करती है, जिसकी लेंथ है 800 किलोमीटर, बहुत ही लंबी ये बॉर्डर जर्मनी के साथ वो ऑस्ट्रिया शेयर करती है। देन ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ये 3 लैंडलॉक कंट्री है यूरोप के, याद रखिएगा इसको,
लैंडलॉक कंट्री मतलब एक कंट्री जो समंदर के साथ वो कनेक्टिंग ना हो, अगर वो कोई जो लेक के साथ कनेक्टिंग हो तो तब भी उसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाएगा, लेकिन समंदर के साथ उसकी कोई कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को जो विंटर स्पोर्ट्स वहां पे बहुत ज्यादा होते तो विंटर स्पोर्ट्स के कैपिटल बोला जाता है यूरोप को। डेन्यूब रिवर अगर हम लोग बात करेंगे, डेन्यूब रिवर जो है ऑस्ट्रिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो आफ्टर वोल्गा, वोल्गा रिवर के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये जो डेन्यूब रिवर है ये बोला जाता है कि ये ओरिजिनेट होती है जर्मनी से और ये बह के जाती है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगेरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमेनिया, बुल्गेरिया, मल्डोवा एंड यूक्रेन। तो ये रिवर जो है अप्रोक्सीमेटली 2880 किलोमीटर ये लॉन्ग है और जो ब्लैक सी पे आके गिरती है, और ये दुनिया की एक अकेली रिवर है जो 10 अलग अलग कंट्री से होके यहाँ से गुजरती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में ही है, तो उनके अगर ये बोला गया है राइटर ने, अगर वो अभी जिंदा होते तो हमारी जो अभी प्रेस है, मीडिया है, मीडिया के ऊपर उनका क्या कहना होता, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अभी जो गांधी जी की जो 158 जो बर्थ एनिवर्सरी, उनकी जो जन्म हुई थी 1869 में गुजरात के जो पोरबंदर एरिया में, तो 150 जो उनकी जन्म जयंती अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गांधी जी जो है पॉलिटिकली, उन लोग जब इंडिया में आए पॉलिटिकली उन लोगों ने काम किया, तब उससे पहले वो जर्नलिज्म के हिसाब से उन्होंने काफी सारे काम करके आए चुके थे, तो जर्नलिज्म या पत्रकारिता में भी उनकी काफी सारी एक्सपीरियंस थी उससे पहले। तो यहाँ पे ये बोला जाए कि पत्रकारिता जो जर्नलिज्म की जो शुरुआत उन्होंने की थी वो इंग्लैंड से की थी, वहां पे साउथ अफ्रीका में जाने से पहले। तो काफी सालों तक वहां पे साउथ अफ्रीका में वो रहे, तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड काफी सारे वहां पे काम की थी। तो काफी सारे वहां पे जब इंडिया आए तो वहां पे काफी सारे यहां पे पब्लिकेशंस उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, काफी सारे वहां पे न्यूज़पेपर थी वहां पे स्टार्ट किया, ताकि ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ताकि जो इंडिया में उस टाइम ब्रिटिश राज चलती थी तो लोगों को जो कम्युनिकेशन, लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, एक जो नेता दूसरे नेता का, उनकी जो आइडियोलॉजीज, उनकी जो व्यूज, तो न्यूज़पेपर उस टाइम में सोशल मीडिया या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी, तो न्यूज़पेपर एक अकेली यहां पे माध्यम हुआ करती थी जो कम्युनिकेट कर सके। तो फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वेपन हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो ये आपको डेफिनेटली पढ़ने को मिलेगा। देन सत्याग्रह आंदोलन जब वहां पे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया, तो वहां पे मीडिया का भी एक क्रिटिकल रोल था वहां पे, उन्होंने बोला गया। तो उनकी यहां पे एक धारणा थी जो यहां पे राइटर ने भी बोला गया है कि जो भी इंटरनल स्ट्रगल है किसी आंदोलन के लिए, उसके लिए एक न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल इंडियंस है, लोकल कम्युनिटीज है, उनको पूरे दुनिया के टच में रखने के लिए, उनको जो कोई भी चीज यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रखने के लिए, ये जो न्यूज़पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टूल माना जाता है, और ये बहुत ही यूजफुल और यहाँ पे मोस्ट पोटेंशियल टूल है जो इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन में काम में आए थे। तो ये गांधी जी का रिगार्डिंग द मीडिया, पत्रकारिता के ऊपर उनकी यहाँ पे व्यूज थे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जर्नलिज्म, उनको ये बोला था कि उनको रीजनल मीडिया जो अलग अलग जगहों की जो मीडिया अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे कल्चर में यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो गांधी जी इसके पक्षपाती थे, तो यहाँ पे उनको सपोर्ट करते थे उसको। तो यहाँ पे जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, वो चार अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टार्ट किया था, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड तमिल। तो ये चार अलग अलग जो लैंग्वेजेस में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट को डेफिनेटली इंस्पायर करते थे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में उनकी जो न्यूज़पेपर बनाने के लिए। तो रीजनल जो मीडिया होती थी वो उस टाइम में इंडिया में अभी जो काफी इतनी ज्यादा फल फूल रही, तो उनकी ही यहाँ पे एक आइडियोलॉजी थी, उसी का यहाँ पे नतीजा है। तो यहाँ पे गांधी जी का जो यहाँ पे आइडियोलॉजी था कि न्यूज़पेपर जो है यह कोई बिना डरे निर्भीक रूप से अपने जो ट्रूथ को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि जो कोई भी जो सच्चाई है लोगों को जाननी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये मीडिया में ये न्यूज़पेपर ये होनी चाहिए, ताकि लोगों को सच्चाई यहाँ पे मालूम पड़ सके, कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी जगह पे हो रही है,
कि कोई इनजस्टिस हो रही है दुनिया में, कहां पे क्या चल रहा है, सब यहां पे ट्रांसपेरेंट एंड ट्रूथ होनी चाहिए यहां पे। लेकिन यहां पे ये बोला जा रहा है कि गांधी जी अगर अभी होते तो यहां पे अभी जो राइटर ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है यहां पे कुछ कुछ मामलों में होनी भी चाहिए यहां पे, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में प्राइम मिनिस्टर को कोई भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था यहां पे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सिंपल से सवाल पूछे गए थे, और ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट अभी जो बोले मीडिया वही परफॉर्म कर रही है यहां पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो देश है तभी तरक्की कर पाएगी जब उनकी गवर्नमेंट को सच्चाई मालूम पड़े, और ये लोकतांत्रिक सरकार है भारत में, लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पे जैसे कि एक टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि सरकारें आएगी जाएगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन इस देश की जो लोकतंत्र है हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो हमें बहुत ही सच्ची बात बोली थी वहां पे कि गवर्नमेंट के दर से मीडिया को अपने जो यहाँ पे इंप्रेशन है, अपनी जो यहाँ पे रिजल्ट्स है, जो यहाँ पे फैक्ट्स है, उसको छुपानी नहीं चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, ताकि तभी जो गवर्नमेंट है देश के लिए यहाँ पे काम कर पाए। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अवॉइड किया, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई थी 2000 इलेक्शन से पहले उसको यहाँ पे पूछा नहीं गया था। देन पीरियोडिक लेबर फोर्सेस के सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे कम हुआ था 6.1%, काफी दशकों के जो गिरावट आई है पिछले चार दशकों की, इतनी कम क्यों हो गई, तो इसको यहाँ पे पूछा नहीं गया, एक फ्री पास वहां पे उनको मिल गया था। लेकिन ये जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पे उन लोग ने सरकार में दे, तो तभी बता कि ये जो रियल डेटाज नहीं, ये फेक डेटाज है, बाद में जब इसके रिजल्ट है तब उनको ये जाके मानना पड़ा। लेकिन अभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या जो कोई भी कम्युनिटी है अगर सवाल पूछे तो उनको एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी हक है, ये उनकी हक होती है लोकतांत्रिक सरकार में, तो इसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, तभी जो है एक राष्ट्र जो डेवलप हो पाएगी। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया हाउस में जो बिजनेस के बारे में काफी सारा ये बोला जा रहा है कि उन लोग गवर्नमेंट को सवाल पूछने से डरती है, और एडिटोरियल लाइन पे जो भी है यहाँ पे चीजों को जो एक्चुअल फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देती है, जो अच्छी न्यूज है उसको दिखाती है, जो यहाँ पे गंदगी है, जो बुरी चीजें हो रही है उसको कभी भी हाईलाइट ही नहीं करती है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया। तो रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कोई भी जो पत्रकार है, पत्रकार को इजीली कुछ भी चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए जो भी इंडेक्स, यानी कि पत्रकार जो है यहाँ पे एकदम फ्रीली कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी फ्रीडम होती है, तो एक इंडेक्स जारी करती है। तो ये इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है 140 है 180 कंट्रीज में से, कितनी ज्यादा नीचे है आप देख सकते हैं। तो अगस्त 2019 में इसको रिलीज किया गया था, बहुत ज्यादा यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे पत्रकार को यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वहां पे सेडिशन, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ को फेस करना पड़ता है। और 2018 में भी अगर देखें जो 6 अलग अलग पत्रकार जो है उनकी हत्या हो गई थी। सबसे जो रिसेंट डेट एनिवर्सरी अगर बात करेंगे गौरी लंकेश के बारे में, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे इशू बन गया था, क्योंकि ये जो है वो हमेशा ट्रूथ को ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली उन लोग जो है कम्युनल पॉलिटिक्स के एक स्ट्रांग क्रिटिक हुआ करते थे यहाँ पे, और वो अपने जो पेपर में जो एड्स के लिए स्पेस भी नहीं रखते थे, और यहाँ पे जो इंटीग्रिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे न्यूज़पेपर में, और मोस्टली वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे। और जो गौरी लंकेश की जो आइडियोलॉजी, उनकी जो इथिक्स थी, तो गांधी जी अगर जिंदा होते तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर प्राउड फील करते, तो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट जो है ये जो सोशल मीडिया की जो डेवलपमेंट है, गांधी जी को डेफिनेटली ये काफी अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में अपने टाइम में ये इमेजिन भी नहीं कर पाए थे कि ऐसी भी कभी दिन आएगा कि लोग खुद से अपनी सोशल मीडिया, अपने अपने व्यूज जो है, अपने आइडियोलॉजीज जो है, अपने इथिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी दुनिया उनको देख सकती है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है, पूरे दुनिया के लोग अभी सोशल मीडिया में अपनी जो व्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो गांधी जी को ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, अपनी आइडियाज और पॉलिटिकली मोबिलाइज सिस्टम को यहाँ पे इंडिपेंडेंटली उनको उन लोग मेन स्ट्रीम हिसाब से उन लोग एक्सप्रेस कर पाते। तो गांधी जी ने ये बोला था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर प्रेसियस प्रिविलेज दैट नो कंट्री कैन फॉरगो। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को हमेशा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पत्रकार ही जो है यही अगर जो सच्चाई जो है अगर नहीं लाएंगे, और गवर्नमेंट अगर उसको सप्रेस करके रख देंगे, मैं पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट के बारे में नाम नहीं लूंगा, पहले के गवर्नमेंट में भी ये होती थी, तो ये कोई भी जो राष्ट्र है ये डेवलप कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट को या लोगों को सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलेगी।
तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर देश को उन्नति करनी है तो ये सबको सच्चाई आनी चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि उसको अगर छुपा के रखेंगे तो वो एक टाइम में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बाद में उसी को लेके फिर से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो सरकार के खिलाफ उंगली उठाती है तो उनको एंटी नेशनल जो ये आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आर्टिकल को जो लिखा है, ये आर्टिकल को लिखा है एम बी राजीव गौड़ा ने। तो आज के डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो डेटा पॉइंट में यह बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जी को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार उनका नाम नॉमिनेट हुआ था, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 उसके उनके जब एसोसिएशन हुआ था उनसे पहले, लेकिन उनको कभी भी नोबेल प्राइज मिला ही नहीं। क्योंकि 20वीं सदी तक, ये आने वाले टाइम तक जो है नोबेल प्राइज जो है काफी सारे जो है वो यूरोपियन या तो नॉर्थ अमेरिकन लोगों को ही मिलता। तो यहाँ पे ब्लू जो ब्लॉक्स है ये नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, और जो ये पिंक जो कलर है ये अलग अलग राष्ट्रों के बारे में बोला जा रहा है, और ये जो ग्रे है ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1901 से लेकर जब से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था 1910 तक सिर्फ ब्लू ब्लॉक्स ही दिखाई दे रहे, उसके बाद कुछ कुछ कंट्रीज जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देन पिंक ब्लॉक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैरलस सावेड्रा, ये जो अर्जेंटीना के व्यक्ति थे, अर्जेंटीना के सिटीजन, तो पहले व्यक्ति थे जो आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बाद जो एल्बर्ट जॉन लुतुइली जो है साउथ अफ्रीका के पहले अफ्रीकन विनर नोबेल प्रीज प्राइज में 1951 से लेकर 1961 तक ये बने थे। देन उसके बाद जो लैक दुक थो, ये वियतनाम के व्यक्ति थे, इनको उसके बाद जो एशिया के पहले व्यक्ति है जो पीस प्राइज नोबेल में मिला था। और जो भारत के मदर टेरेसा है उनको 1987 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इसके बाद जो भारतीय गवर्नमेंट ने भी 1995 के बाद जो महात्मा गांधी के स्मरण पे गांधी पीस प्राइज रखना स्टार्ट किया, जिसकी कुल राशि जो थी ये 1 करोड़ थी। तो इसको कुछ कुछ जो आपको याद रखनी है, जो जूलियस नेरे है ये तांजानिया के है, पहले व्यक्ति है 1995 में जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। देन रामकृष्ण मिशन को मिला था 1998, बाबा आमते को मिला था 1999 में, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका से इनको मिला था 2000 में, देन जो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है इसको भी 2000 में मिला था, जेन जॉन ह्यूम को आयरलैंड से उनको मिला था 2001 में, जेन भारतीय विद्या भवन को मिला था 2002 में, देन अगर देखा ही जाएगा यहाँ पे चांदनी प्रसाद भट्ट को मिला था 2013 में, इसरो को मिला था 2014 में, विवेकानंद, ये सब आपको याद रखनी है लास्ट 5-6 सालों के, इसको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं या जो मार्किंग मैचिंग क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं इसको। देन विवेकानंद केंद्र को मिला था 2015 में, अक्षय पात्र फाउंडेशन को मिला था 2016 में, सुलभ इंटरनेशनल को मिला था यहाँ पे 2016 में मिला था, 2016 में दो जगहों को एक साथ मिला था, एकाल अभियान ट्रस्ट को मिला था 2017 में, और 2018 में लेटेस्ट जो है अभी तक ये मिला है योहाई ससाकुआ जापान के। तो ये सब का आपको याद रखने हैं। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्डवर्क करने के लिए। और आज शाम को देखना मत भूलिए हमारे स्टडी राइज के करंट अफेयर्स, और आशा करते हैं आप लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप द हिंदू एडिटोरियल को देते आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, गांधी जी को शत शत प्रणाम, और आज के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।